यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप चाहते हो कि मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किरण गुप्ता, अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी बच्चों की इम्यूनिटी बारे में, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारी क्वेरी आई है पेरेंट्स की और ज़्यादातर माओं को टेंशन रहती है कि इस समय कि कोरोना चल रहा है और हम अपने बच्चों को कैसे सेफ रखें, इससे कैसे बचाएं, क्योंकि घर में जो जेंट्स हैं जिन्हें कमाने जाना है वो तो बाहर जाएंगे, शॉप पर जाएंगे, उनके साथ यदि कोरोना आ गया और हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है और बच्चों की नहीं है तो हम उन्हें कैसे बचाएं, उन्हें क्या चीज़ दी जाए जिससे वो बच सके। आप सब जानते हैं कि बच्चे आजकल के फर्जी ईटर हैं, बिल्कुल अपनी पसंद का खाना खाते हैं जो उन्हें पसंद होता है। आप घर का खाना कितना भी उन्हें दीजिए पर वो नहीं खाते, सब्जियां अच्छे से नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो बच्चों के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी होती है जो उनके अंदर होनी चाहिए। वो भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उनके अंदर नहीं है जो उनके अंदर होने चाहिए, तो बहुत सारी कमियाँ उनके अंदर रह जाती है पूरा पोषण ना मिलने की वजह से, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं। यदि उनके लिए पैटिस, बर्गर ये सब चीज़ें घर में बना दी जाए या बाहर से मंगा दी जाए तो वो खा लेते हैं, पर घर की जब रोटी उसे दी जाती है बच्चों को तो वो अच्छे से नहीं खाते हैं, इसीलिए वो इनकम्प्लीट फूड रह जाता है, उनका पूरा न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती बच्चों की। मौसम चेंज होते ही बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम उन्हें आए दिन लगी रहती है, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ज़्यादा खेलने से थक जाते हैं, पैरों में दर्द होना, बुखार बहुत जल्दी आ जाना, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, हाँ मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में। ये भी हमारा एक मोदी केयर का प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए है, आपके ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो भी बच्चे बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए है। ये बढ़ती उम्र के बच्चों को जो पोषक तत्व पूरे मात्रा में नहीं मिलते ये उनके लिए बहुत अच्छा और हेल्दी ड्रिंक है फ्रेंड्स। ये बैलेंस न्यूट्रिशन है, इसके अंदर 37 तरह के जीवनदायी पोषक तत्व हैं इसके अंदर फ्रेंड्स, जो बच्चों को ज़रूरी हैं उनकी ग्रोइंग एज में, और किसी तरह के भी सप्लीमेंट में हमें नहीं मिलते इतने सारे पोषक तत्व। और फ्रेंड पीडी कास्ट इसका 1.0 है, ये कोई भी अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन को नापने का स्कोर होता है, जो इस जो अच्छा सबसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन का अच्छा स्कोर होता है वो 1.0 होता है, जो इसका पीडी कास्ट 1.0 है, यानी कि इसमें जो प्रोटीन यूज़ किया गया है वो हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, जो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन प्रोटीन है फ्रेंड्स। ये डेवलपमेंट और ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये एक अच्छा स्रोत है कि वो सारे पोषक तत्व जो बच्चों को खाने की से मिलते थे जो अब नहीं मिल पाते वो उन्हें मिल जाते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इसका फ्लेवर जो है बहुत ही डिलीशियस है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर डाला हुआ है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। यदि जो चीज़ बच्चों को पसंद आएगी तो वो ज़रूर उसे खा लेते हैं, इसलिए बच्चे लेते हुए ज़रा भी नहीं कहते कि हमें पसंद नहीं है, वो ईजिली इसे यूज़ कर लेते हैं। मेरा भी बेटा फ्रेंड्स 2 साल का है, जो डेली उसे दूध में डाल के मैं देती हूँ और पीता है, ये उसे रूखा भी खा सकते हैं, जो बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं उनकी कमियों को भी पूरा कर सकता है। कि बहुत सारी पेरेंट्स का ये इशू होता है कि बच्चे दूध नहीं पीते तो हम उन्हें कैसे इसे खिलाएं, तो आप उन्हें सूखा पाउडर इसे दे सकते हो कटोरी में डाल के 1 चम्मच, आप उन्हें ऐसे भी खिला सकते हो, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दोनों ही तरह से बच्चों को मिल जाती है। आइए जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं जो बच्चों को मिल जाते हैं। जो बच्चे इम्प्रॉपर खाना खाते हैं या खाना नहीं खाते हैं उनके लिए कम्प्लीट न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स। ये इसके अंदर FOS है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसकी वजह से बच्चों को भूख लगती है और बच्चों की पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है, यानी कि उनका हैपेटाइट मजबूत होता है। और DHA फ्रेंड इसके अंदर डाइकोसाहेक्सैनोइक एसिड है, जो हमारे एक तरह का ओमेगा-3 फैटी एसिड है, जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत अच्छा माना गया है, उनकी मेमोरी पावर को भी बूस्ट करता है फ्रेंड्स। इसके अंदर मिल्क एंड वे प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन मिलके बच्चों की मसल टिश्यू का विकास भी करते हैं और उन्हें
रिपेयर भी करते हैं फ्रेंड्स। ये इसमें कोलोस्ट्रॉम है फ्रेंड। कोलोस्ट्रॉम एक बच्चों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, मौसम के चेंज होने से बीमार नहीं होते। कोलोस्ट्रॉम एक तरह का जो माँ के पहले गाढ़े दूध में पाया जाता है वो चीज़ होती है, ये जो गाय के दूध में पाई जाती है वो इसके अंदर डाला गया है, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इसके अंदर कई तरह के विटामिन और मिनरल्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हैं। ये लेना कैसे है? जो छोटे बच्चे हैं, 2 से 4 साल के बच्चे हैं, उन्हें 1 स्पून लेना होता है। 1 स्पून आप हाफ हाफ स्पून 2 टाइम दूध में दे सकते हैं, 1 स्पून 1 टाइम भी दे सकते हैं, या उन्हें किसी भी खाने में दे सकते हैं। उनके लिए कोई भी डिजर्ट बना रहे हैं, बच्चे ऐसे दूध में नहीं ले रहे हैं, तो उनके खाने की चीज़ों में पास्ता है, कुछ भी है उनकी पसंद की चीज़ में आप उसे डालकर दे सकते हैं फ्रेंड्स। और जो बच्चे 4 साल से बड़े हैं, उन्हें 2 टाइम देना है, 2 स्पून देना है, उन्हें आपको 2 स्पून देना होता है। बहुत अच्छा है, आप दीजिए। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चे हाइट में छोटे लग रहे हैं, आप उन्हें भी दीजिए। 18 साल तक की एज में हम बहुत बच्चों को देना ही है, ये बहुत ज़रूरी है। 18 साल से वो भी इसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद आप इसे नहीं ले सकते। फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, बच्चे आपके पसंद से खाएंगे। आज की इसकी जो नॉलेज मैंने आपको दी है, आपको अच्छी लगी है और आपकी यूज़फुल हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन भी दबाना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपकी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू। Thank you.